शुक्ला आपके साथ और हम मथुरा रोड पर हैं। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है जो यहाँ पलट गई, एक्सीडेंट हुआ है और आप देखिए गाड़ी किस तरह से उल्टी हो गई, पूरी डैमेज हो गई है और पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और तमाम भीड़ मथुरा रोड पर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है ये किस तरह से यहाँ पलटी और किससे एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कोई जान मान की हानि हुई है या नहीं वो जानेंगे यहाँ लोगों से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गाड़ी उल्टी हो गई है, चकनाचूर हो गई। सर्विस रोड पर गाड़ी आ रही थी और आपको बता दें NHPC से जब आते हैं मेवला महाराजपुर की तरफ, ये मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के पास ही ये दुर्घटना हुई है। और किसकी सर गाड़ी आप चला रहे थे क्या, कैसे हुआ है सर? एक बार बताएंगे सर प्लीज के कैसे हुआ। आप देख सकते हैं किसी को कोई नुकसान तो पिछली गाड़ी खड़ी है जिसने आके मारी है उसकी फोटो लेके आओ फिर बात करना। कौन सी है जी बताएं, मुझे बताएं प्लीज। खड़ी है पहली वाली गाड़ी जो खड़ी है, पहली कार जो खड़ी है। हाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि कोई गाड़ी थी जो अचानक आगे आ गई जिसकी वजह से यहाँ गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और ये पलट गई, लेकिन किसी को कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है, जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बच गए हैं। इसमें दो जने थे बता रहे हैं, एक गाड़ी चलाने वाले और एक कोई साथ में बैठा हुआ था जो बच गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है मेवला महाराजपुर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और जानेंगे कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए दिन जो सड़क हादसे हैं वो होते रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आप गाड़ी देख रहे हैं कि गाड़ी उल्टी हो गई, पलट गई गाड़ी और पूरी डैमेज हो गई है आगे से, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। यहाँ जानेंगे जी कैसे हुआ था। ये अभी आए हम तो, अभी आए हैं। आपने देखा था कैसे? नहीं जैसे कौन आप थे गाड़ी में क्या मैम, क्या नाम आपका? सरोज। कैसे हुआ था? गाड़ी ने टक्कर मार दी। कौन सी गाड़ी ने? ब्लैक कलर की कार थी, रिवर्स। आप बताएं जैसे भी हुआ है बताएं। वो क्या था, सर में चोट लग गई इनके शायद। तो कैसे हुआ था सर? ये तो सर्विस रोड पे ही आ रहे थे, ये मेनली उधर से आ रहे थे, ठीक है, उधर से शायद गाड़ी रॉन्गली आई है और इनको यहाँ से टक्कर बीच से मारी है बिना देखे उसने, मतलब एंट्री ली है डायरेक्शन। दूसरी गाड़ी को ब्लैक कलर की गाड़ी उधर खड़ी कर रखे हैं। गाड़ी नहीं है और जो गाड़ी चला रहा था वो भाग गया है? नहीं है, आई गेस दोनों पार्टी है। मतलब उनकी गलती थी कि उन्होंने गलती से सर, तभी तो सीधी कोई गाड़ी सीधी आ रही तभी तो पलट गई, नहीं तो सीधी गाड़ी कैसे पलट जाएगी। गाड़ी में कितने लोग थे? कितने लोग? दो लोग थे। ठीक है, चोट तो नहीं लगी है कोई? थोड़ा सा इंजरी हुआ है हर्ट, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी पलटी है गाड़ी की जो हालत है उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा किसी को चोट लगी होगी। इतना नहीं। अब देख सकते हैं फरीदाबाद, जैसा कि बता रहे हैं कि गाड़ी चला रहे थे और पीछे से साइड में जो गाड़ी थी उसने अचानक से मोड़ दिया जिसकी वजह से गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया अनकंट्रोल होकर और ये गाड़ी पलट गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस गाड़ी को सीधा किया जा रहा है और गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुई है और आप देख रहे हैं इसको सीधे करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच चुकी है रहा।
पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच चुकी है और गाड़ी को सीधी करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको रोड से हटाकर साइड में किया जाए, जिससे जो ये जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक है, वो सुचारू रूप से चल सके। फरीदाबाद ऐसे बहुत से हादसे हैं जो शहर में होते रहते हैं और जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन इसमें भगवान का शुक्र है कि जो दो लोग सवार थे वो ठीक ठाक हैं, वो बच गए हैं, सही सलामत हैं। थोड़ी सी जो चोट आई है, जैसा कि अभी जो आपको बात कराई थी इसने बताया कि उनको कुछ थोड़ी सी चोट लगी है सिर पर, और आप देख सकते हैं मेवला महाराजपुर सर्विस रोड है, मेवला महाराजपुर का मेट्रो स्टेशन के पास जहां ये हादसा हुआ है, और पुलिस लगातार ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है ताकि जो जाम के हालात हैं वो इस पर ना बने। और आप देख रहे हैं किसकी गलती थी, क्या वजह थी जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो अभी पता लगेगा। दोनों पार्टियां यहीं पर हैं, मौजूद हैं, वो जो दूसरी गाड़ी जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो भी यहीं है, और ये गाड़ी ये भी यहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस और SHO पुलिस स्टेशन सेक्टर 31 यहाँ पहुँच चुके हैं, मौके पर पहुँच चुके हैं, और शायद क्रेन को बुलाया जा रहा है जिसकी मदद से इसको यहाँ से उठाया जाएगा और साइड में किया जाएगा। क्या है, किसकी गलती थी, ये पता लगेगा, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। धन्यवाद।